स्टूडेंट्स कहते हैं इसके सर रीजनिंग भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, समझ आया कुछ पैतरे कुछ तरीके, लेकिन इंग्लिश में गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ पार करना है या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं, तो कहाँ से शुरुआत करें। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो बनाया गया है, जिसको मैंने 5 पॉइंट्स में मैंने आपको अभी एक पैटर्न बनाया है, जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। एंड बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट वीडियो, अगर कोई नया इस वीडियो पहले लेट मी टेल यू, मैंने रीजनिंग और मैथ्स के लिए इसके पहले वीडियो बनाए हैं IBPS SO के लिए, तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपने आप से पूछो इंग्लिश में दिक्कत क्यों है। अभी इसके आंसर्स इस प्रकार आएंगे कि सर क्वेश्चन पढ़ने में वक्त लगता है, या फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ, फिर ऑप्शंस एक दो सेम लगते फिर मैं स्किप करता हूँ, तो उसमें टाइम जाता है, क्लिक भी नहीं किया, ठीक है, प्रेशर गिरेगा दूसरे चैप्टर्स पे। तो इसमें आप एक गलती और एक करते हो कि आप लोग पैटर्न नहीं बनाते कि कौन सा क्वेश्चन पहले करे कौन सा बाद में, ठीक है। और ओवरऑल के ग्रामर के आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको बताऊँगा। सो आई विल क्विकली स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट चेक प्रीलिम्स पैटर्न ऑफ इंग्लिश ऑफ वेरियस एग्ज़ाम्स, ठीक है, ऑफ वेरियस एग्ज़ाम्स। सबसे पहले तो ESO का ही देखो और प्रीलिम के एग्ज़ाम का पैटर्न देखो। पैटर्न मतलब सिर्फ ये मत देखना सेंटेंस अरेंजमेंट 5 मार्क का आया, पैरा जम्बर 5 मार्क का, नहीं, क्या लेवल का आया वो भी आप थोड़ा चेक करो। एंड अगर आप ये देखोगे, अगर मैं आपको IBPS ESO प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा बताऊं, एक रफली पैटर्न कुछ ऐसा था, RC 15 मार्क्स का था, इट वाज ऑन स्टोरी बेस्ड, क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स था, पैरा क्लोज टेस्ट वर्ड फिक्स था, देन चूज अनदर अल्टरनेटिव फॉर गिवन वर्ड ऐसे था, पैरा जम्बल 5 मार्क्स के लिए था जिसमें कुछ फोर्थ सेंटेंस फिक्स था एंड द रेस्ट 5 दे वर नीड टू बी अरेंज्ड, सेंटेंस एरर थे जिसमें 2 पार्ट में एरर था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कह सकता हूँ, डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, मॉडरेट लेवल, फिलर्स थे, किसी में सिंगल फिलर आए किसी में डबल फिलर्स आए, सेंटेंस कनेक्टर्स थे, देन वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट मतलब एक सेंटेंस में आपको वर्ड बोल्ड में मिलेगा और उसके ऑप्शन में मैं आपको 4 या 5 ऑप्शन दूंगा जिसमें से कलर आपको चुनना है कौन सा है, देन वर्ड यूजेज भी पूछा गया था जिसमें एक वर्ड रहता है और 3 सेंटेंसेस रहते हैं और वो वर्ड तीनों जगह पर इस्तेमाल होगा, आपको बताना है वो वर्ड तीनों सेंटेंस में से कहाँ करेक्टली इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन आर लाइक only 1 and 2, only 3, only 2 and 3, सॉरी। तो ये एक जनरली पैटर्न था। अभी ये इतना भर भर के क्यों आया, क्योंकि 50 क्वेश्चंस है इंग्लिश में, पहले चीज़ समझो आप, इंग्लिश 50 क्वेश्चन है, मार्क्स 25 है, ठीक है। तो अगर मान लो आपने 40 क्वेश्चन किए, इसका मतलब आपने 20 मार्क का किया है, ठीक है, उसमें से करेक्ट कितने आएंगे, करेक्ट, ये पहले आपको समझना चाहिए। इस तरीके का पैटर्न आता है, क्या प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि क्लोज टेस्ट अभी किस पैटर्न में आ रहा है, नए पैटर्न में आता है, पहले सिर्फ ब्लैंक्स आते थे, अभी वो वर्ड फिक्स रखते हैं, 4 ऑप्शंस में देते हैं आपको, आपको उनमें से सही चुनना है। इसमें क्या हो रहा है पता है, आपको सोचना पड़ रहा है, कह सकते हो एक ही लाइन में को इंग्लिश को थोड़ा लेंदी बनाया जा रहा है, इससे थोड़ा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और स्पेशली उन लोगों जिनकी इंग्लिश वैसे भी उनको दिक्कत भरा जाता है। तो आपको पहले ये पैटर्न सामने रखना है, जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ो तो जब तक इस लेयर का प्रॉब्लम सॉल्व ना करो तो कब तब तक ये मत कहना कि आपका वो चैप्टर हो चुका है। सेकंड पॉइंट कि पेपर शुरू करूँ तो कैसे करूँ, मेरी एडवाइस होगी स्टार्ट विथ एनीथिंग बट नॉट विथ RC अगर नॉन स्टोरी है तो, नॉट विथ पैरा जम्बल्ड एंड नॉट विथ क्लोज टेस्ट अगर नॉन स्टोरी है तो। मतलब RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट इज पैसेज, अगर ये स्टोरी बेस्ड नहीं है तो शुरुआत में हाथ बिल्कुल मत लगाना, अगर ये क्लोज टेस्ट भी स्टोरी बेस्ड नहीं है तो बिल्कुल हाथ मत लगाना, और पैरा जम्बल्ड इसका महत्व क्या बताता हूँ। देखो स्टोरी बेस्ड अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो पढ़ने में आसान है, आपने भी देखो कभी कभी स्टोरी समझ में इसलिए आती है क्योंकि हम लोग लिंक बना लेते हैं, लेकिन कोई फैक्ट बेस्ड पैसेज आए, इकोनॉमी बेस्ड पैसेज आए तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है।
तो इसलिए पैसेज नहीं करना होता है। सिमिलर रूल अप्लाइज टू द क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में स्टोरी आती है कि कोई खरगोश और कछुए की, या मैन एंड द थ्री गोल्डन स्वॉर्ड्स, ऐसे कुछ आता है तो पढ़ना इजी हो जाता है, समझ में आ जाता है कि प्रेपोजिशंस क्या रहेंगे, ऐड रहेगा, फॉर रहेगा, वॉट एवर। लेकिन कोई बोरिंग सा सेल्स या कमोडिटी या इकोनॉमिक मार्केट, ऐसे कोई बोरिंग टर्म्स पे कुछ आ गया तो पढ़ने में दिक्कत होती है और जजमेंट करना मुश्किल होता है। इसके लिए उसको प्रायोरिटी बेसिस पे मत करना, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, प्रायोरिटी बेसिस पे मत करना। पैरा जंबर्ड में इसलिए ना बोलता हूँ स्टोरी, क्योंकि पैरा जंबर्ड में आपको देखो, अगर वो लोग ऐसे पैरा जंबर्ड डाल रहे हैं कि फोर्थ सेंटेंस फिक्स्ड एंड रेस्ट फाइव नीड्स टू बी अरेंज्ड, तो आपको सारे बराबर बैठाने पड़ेंगे तो ही 5 मार्क जेब में जाएंगे। एक भी फिसला, दैट्स इट, 5 के 5 मार्क फिसल जाएंगे। तो प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं, बोलने के लिए आराम से बोल सकता हूँ वो पहले कर लो, लेकिन बोलना आसान है, वहाँ पर जाके प्रेशर क्या करता है अच्छे से जानता हूँ। और जो लोग जा चुके एग्ज़ाम में वो बेहतर जानते हैं कि अगर वो स्टोरी बेस्ड नहीं तो दिक्कत भरा है। तो ये तीनों को अवॉइड करो। अभी बाकी क्या कर सकते हैं, सिंगल फिलर स्टार्ट करो, सेंटेंस अगर सेंटेंस अरेंजमेंट आते हैं लाइक कोई फ्रेज को आपको रिप्लेस करना है वो वाले करो, सेंटेंस एरर वाले करो, इन तीनों में से कोई भी जो दिखे कर सकते हो, उन तीनों में प्रायोरिटी मत बनाना कि इसमें से कौन सा पहले करो। और ये होने के बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है देन यू कैन गो आइदर टू पैरा जंबर्ड और क्लोज टेस्ट। ये आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं क्लोज टेस्ट पे जाऊंगा पहले, ठीक है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में मुझे कुछ आंसर श्योरली आएंगे, मतलब मैं कंपैरेटिवली सीधा सीधा बता रहा हूँ क्या मेरा पैटर्न रहेगा, देन पैरा जंबर एंड देन आरसी। लेकिन आरसी में याद रखना, आरसी कर कुछ भी कर नहीं कर पाया ना तो उसमें 2-3 वर्ड सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स होते हैं, कम से कम वो करके आओ। बोल्ड में दिया रहेगा और आपको पूछेंगे कि इसका सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, आपको अगर वो वर्ड पता है आपको आंसर आ सकता है, तो इतना याद रखना। स्टोरी बेस्ड हुआ तो मैं सीधा बोलूँगा आपको 10 या 12 मार्क पूरे आने चाहिए। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, स्टोरी बेस्ड डू इट, नॉन स्टोरी बेस्ड प्रेफरेबली नॉट, प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट अभी एक ऐसा पॉइंट जिसकी बहुत लोगों को शायद ज़रूरत है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो इस वीडियो में मैं अलग से बता रहा हूँ कि बुक्स अगर आपको लेने हैं ग्रामेटिकल वगैरह तो कौन से लें। पहला बुक है वर्ड्स पावर मेड इजी, ये नॉर्मन लुइस का बुक है, ये एक ले सकते हो। सेकंड बुक हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय ब्रेनन मार्टिन, ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये भी आप एक अच्छा ऑप्शन है। देन ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश RS अग्रवाल की भी वैसे भी ऑलरेडी बुक है अवेलेबल, एंड देन ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश अगेन बट दिस टाइम बाय SP बख्शी। तो 4 किताबें आपके पास, नॉर्मन लुइस की, ब्रेनन मार्टिन की, RS अग्रवाल, SP बख्शी की। पहले दो कह सकते हो वोकैबुलरी और ग्रामर बेस्ड है, देन एक्चुअल फन पार्ट, एक्चुअल क्वेश्चंस के लिए आप बाकी के बुक्स ट्राई कर सकते हो। बट मेरी राय ये रहेगी बुक्स को भी बाय करो, बट एक चीज़ याद रखना जो मैंने सबसे पहले पॉइंट में कहते हैं, पैटर्न चेक करो हमेशा। ये कोई स्कूल कॉलेज का चुन्नू मुन्नू एग्ज़ाम नहीं है, किताब पढ़ के पैटर्न नहीं पता है, पैटर्न देखो, क्लोज टेस्ट कैसे आता है देखो। और अभी एसओ प्रीलिम्स ही नहीं, अभी आप जो भी अभी एग्ज़ाम्स होंगे, अभी अक्टूबर में जो IBPS PO प्रीलिम्स भी होगा, क्लर्क भी होगा, उसके में भी प्रीलिम्स देखो। अगर आप, शायद आप में से बहुत लोग जाएंगे वो एग्ज़ाम देने, उसमें भी देखो क्या लेवल के क्वेश्चंस बन रहे। कुछ लोग बोलेंगे कि एरर इजी आ रहा है, कुछ लोग बोलेंगे सर पैरा जंबर्ड काफ़ी कंफ्यूजिंग था तो स्किप किया, क्योंकि 5 मार्क वो रिस्क ले नहीं सकते ना, पेनल्टी लगेगा, तो वो पैटर्न को नोट करो। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट थोड़ा स्मार्टली मैंने बनाया है, ये कि यू शुड अंडरस्टैंड द लेवल और क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन। आपको पता लगना चाहिए क्वेश्चन देखने के बाद, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है, कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है। देखो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, रीजनिंग में डायरेक्शन इजी है, तो आपने वो जजमेंट किया है इतने प्रैक्टिस के बाद, तो आपको पता भी लगना चाहिए कि क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, अभी हर में इंग्लिश में तो इंग्लिश वर्ड्स होंगे, पढ़ोगे जजमेंट करोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप प्रेफरेबली बाद में करो तो बेटर है। कुछ लोगों के लिए ये काम ऐसे करता है, कुछ लोग सेंटेंस कनेक्टर में पहले टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि देखो हर चीज़ों को पहला करने जाओगे तो यार सारी चीज़ें पहले होंगी तो बाद में क्या रखोगे। तो सेंटेंस कनेक्टर यू कैन प्लेस इट बिहाइंड, ओके। एंड क्योंकि जब आप इजी चैप्टर वाइंड अप करोगे ना, तो मेंटली एक
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और माइंड में थोड़ा चलते रहेगा कि अभी मैं पैरा जंबल पर जाता हूँ या अभी मैं क्लोज टेस्ट पर जाता हूँ या सेंटेंस कनेक्टर पर जाता हूँ, क्योंकि सेंटेंस कनेक्टर पढ़ने के बाद हाँ ये लग रहा है वो लग रहा है एंड यू आर नॉट श्योर, यू आर वेस्टिंग योर 1 मिनट और 2 मिनट्स और दिस इज़ द बिजनेस। इंग्लिश में लोगों को जजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीजनिंग मैथ्स में तो अगर हम देख ले हमारा पैटर्न भी क्लियर होता है, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी ट्रिकी हो जाता है गेम कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, सारे में कन्फ्यूजिंग, तो वो कन्फ्यूजिंग दूर करो जिसके लिए मैंने बुक्स का आप अपना वोकेबलरी और ग्रामर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो। जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द डिग्री, आर्टिकल्स ए एंड दी, प्रेपोजिशन एट, इन, फॉर, द, ये सारे जो है इस पर ज़रा ज़्यादा काम करो। ये काम करोगे तो आपका इंग्लिश का बेसिक डेफिनेटली रिकवर होगा एंड बताने की ज़रूरत नहीं है, डेली काम करो। ओके, लास्ट पॉइंट देखो, ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनो, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं और इवन नए भी जो अभी हाल ही में जुड़े हैं, जिनके जिन्होंने बात की मुझसे, ये पॉइंट पे ध्यान से ज़रा फोकस करना। मेक योर एरियाज स्ट्रॉन्ग रादर देन इंग्लिश। मेक योर एरिया स्ट्रॉन्ग, एरियाज मतलब चैप्टर्स, आप अपने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो रादर देन इंग्लिश। क्योंकि अभी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग मत करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मान लो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है किसी का, फिर भी वो लोग प्रॉब्लम क्यों होते हैं? देखो आप किसी ना किसी को तो देखते होंगे जिसको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उनको चैप्टर में प्रॉब्लम क्यों होते हैं? क्योंकि उन लोग को जजमेंट नहीं पता है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो अगर आप ये देखते हो कि इंग्लिश आने से सब होगा, नहीं है बॉस, इंग्लिश आने से यस आपको मीनिंग समझ में आएगा, ये बेनिफिट डेफिनेटली है, बट दिस इज़ अ क्लियर बेनिफिट, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, जजमेंट। कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश आने के बावजूद भी बौखला जाते, समझ में नहीं आता। तो इसके लिए जो मैंने पहले 4 पॉइंट्स किए, इसमें आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। अभी देखो, अगर मैं एग्ज़ाम में जा रहा हूँ, मैंने अपना एक वीडियो भी दे दिया, उसकी लिंक अगर नहीं देखी तो जाकर देखिएगा। हॉरिबल पेपर था और एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, मतलब जैसे रीजनिंग में आप सिलोगिज्म्स पे डिपेंड रहते, इनिकल डिपेंड रहते हैं, तो जैसे मैं कुछ चैप्टर्स पे डिपेंड था तो वो उसने तो मतलब बौखला दिया एकदम, मतलब डरा दिया मेरे को, क्योंकि कुछ चैप्टर्स थे जो इजी एक्सपेक्टेड आने चाहिए थे, वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट गए। रीजनिंग मैथ्स तो क्लियर था एज यूजुअल, तो मैथ्स में सिर्फ मुझे गेम बचाना था। तो जैसे कि फिलर्स, एरर्स या फिर सेंटेंस या फ्रेज रिप्लेसमेंट, इनको आप एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओ। ज़रा मैं एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, क्योंकि हम वीडियो के एंड में पहुँचे तो अब ये ज़रूरी बताना आपको कि 50 क्वेश्चंस करोगे तो 25 में से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? करेक्ट रॉन्ग और करेक्ट या जैसे बाद में देख लेंगे। अब मान लो कि आपने सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही किए, ठीक है? 30 क्वेश्चंस के, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ आपने 15 मार्क्स का किया, 25 में से 15 मार्क्स है किया, तो क्या आपके 15 के 15 जेब में जाएंगे? 15 जेब में जाने के लिए आपके पास 30 श्योर होने चाहिए। 30 श्योर होने के लिए कहना गलत नहीं होगा, 4 या 5 चैप्टर के स्ट्रांग चाहिए। मैं कम्प्लीटली ये नहीं कहूँगा कि आप 4-5 चैप्टर्स ही करो, क्योंकि इंग्लिश में मेरे हिसाब से टाइम मिलेगा आपको, सिर्फ आपकी जजमेंट कितनी फास्ट है क्वेश्चन को समझने की, क्योंकि इंग्लिश में आप मैथ्स की तरह सॉल्व नहीं करोगे, आपके ग्रामेटिकल पे बहुत डिपेंड रहने वाला है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, जैसे बताया मैंने पिछले वीडियो से बता रहा हूँ, रीजनिंग 40, मैथ्स 30, 70 हो गए बराबर, एंड इंग्लिश में दे गेट 14-15 मार्क्स, 85 क्लियर। और 14-15 मार्क्स मिले तो मतलब लगभग 30 क्वेश्चंस किए, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने 31 या 32 क्वेश्चंस पूछे थे, एक दो कुछ शायद रॉन्ग लगा, 0.75 या 1 मार्क का पेनल्टी लगा, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, वो लोग कैसे अज्यूम कर रहे हैं। सिंपल गेम। जब मैंने पूछा आरसी का क्या किया, सो दे टेल मी दैट आरसी में सिर्फ सिमिलर अपोजिट करके आया, बाकी तो वैसे भी टाइम नहीं था, और पढ़ के मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, पढ़ के मतलब उसने जजमेंट किया था, लेकिन उसको पता भी था कि उसने पहले पेपर में क्या सॉल्व किया है। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस मैं आपसे चाहता हूँ, एंड डेफिनेटली होगा, ये तरीके होते हैं, हम लोग सिर्फ ना अमल करने में थोड़े से कतराते हैं। बार बार मॉक टेस्ट देके वही हाल है, तो आपको भी पता है तरीका थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। जिनको बुक से शुरुआत करनी है वो मेरे 3rd पॉइंट पर खासा ध्यान दे,
जो बुक्स मैंने सजेस्ट किए उस पे जाके आप देखिएगा, बाय कीजिएगा। एक दो भी करोगे तो भी चलेगा, सारे एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक या दो बुक से शुरुआत करके दैट इज़ विल बी बेटर। एंड दिस इज़ हाउ यू शुड गो, खुद गेम प्लान बनाओ। 40 करोगे तो 20 मार्क का अटेम्प्ट है, श्योर करोगे तो सारे जेब में, 20 में से 17-18 भी निकले गेम तो क्लियर है। और आपको मैंने क्लियरली बताया, मैं एकदम ऐसा नहीं कहूँगा 25 में से 25 लाओ इंग्लिश ईजी होता है, नहीं, क्योंकि 25 करने के लिए आपको 50 तक पहुँचना पड़ेगा और सारे करेक्ट, सो क्वाइट अनफेयर होगा थोड़ा सा ये। इसलिए प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की हालत क्या होती है, वो बेंच पे बैठा हुआ हूँ समझ सकता हूँ वो प्रेशर क्या होता है। हालांकि एसी चालू होता है वो कंपनी में, लेकिन फिर पसीने छूटते हैं इंग्लिश को देख के, सो आई कैन अंडरस्टैंड। इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल के 40 करोगे तो 20 में से मार्क्स निकलेंगे आपके, 36 करोगे तो 18 में से निकलेंगे। सो प्लान इट वेरी वेल और उन्हीं चैप्टर्स को प्रायोरिटी दो जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताए थे, फिलर्स, एरर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड सो ऑन। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।